नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अनुप्रिया पटेल को नहीं गया है फोन। सूत्र का हवाले से यह खबर सामने आ रही है, जहां अनुप्रिया पटेल को अभी तक कोई भी फोन नहीं गया, कोई बुलावा नहीं आया। बुलावा नहीं मिलने से अनुप्रिया पटेल नाराज है। सूत्र का हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनुप्रिया पटेल को नहीं गया है फोन और इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल को अभी तक बुलावा नहीं आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को बुलावा नहीं आया है और बुलावा नहीं मिलने से अनुप्रिया पटेल नाराज है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जहां आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। एक एक करके तमाम मंत्रियों को फोन जा रहा है जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन अनुप्रिया पटेल को फिलहाल कोई भी फोन नहीं आया। इससे पहले ये सूचना मिल रही थी कि अनुप्रिया पटेल को फोन गया, लेकिन अब अनुप्रिया पटेल को कोई भी फोन नहीं आया है और अनुप्रिया पटेल को बुलावा नहीं मिलने से वे नाराज है। सूत्र के हवाले से ये खबर, बुलावा नहीं मिलने से अनुप्रिया पटेल नाराज और मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को फोन नहीं आने पर वे नाराज है। अनुप्रिया पटेल को नहीं आया है कोई भी फोन, बुलावा नहीं गया है अनुप्रिया पटेल को और ऐसे में इस बात से अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को अभी तक कोई भी फोन नहीं गया, बुलावा नहीं मिलने से अनुप्रिया पटेल नाराज है। सूत्र का हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फोन नहीं जाने पर अनुप्रिया पटेल नाराज। बता दें कि आज पीएम मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और आज मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, ऐसे में तमाम मंत्रियों के एक एक करके फोन जा रहे हैं। इससे पहले खबर आ रही थी कि अनुप्रिया पटेल को फोन गया, लेकिन अब ये खबर जहां अनुप्रिया पटेल को फोन नहीं गया जिससे वो नाराज है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दीपिका ओझा हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, अब तक ये खबर आ रही थी कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को शायद फोन गया है, लेकिन सूत्र के हवाले से ये खबर कि अनुप्रिया पटेल को कोई भी फोन नहीं गया है और इसी बात से अनुप्रिया पटेल नाराज है। दीपिका, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अनुप्रिया पटेल को नहीं गया है फोन। एक एक करके तमाम मंत्रियों को फोन जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल हेलो 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 अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दीपिका ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपिका, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हेलो कि लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। पीएम आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि ये तमाम गाड़ियां, जो काफिला खड़ा हुआ है, ये वही नवनिर्वाचित सांसद हैं जिनको चाय पार्टी के लिए फोन आया है। और ऐसे में देखिए, एक नाम अनुप्रिया पटेल का भी सुबह से चल रहा था, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि अनुप्रिया पटेल को निमंत्रण नहीं आया है, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। और ऐसे में देखिए, क्योंकि जब दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है, पीएम आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि ये तमाम गाड़ियां, जो काफिला खड़ा हुआ है, ये वही नवनिर्वाचित सांसद हैं जिनको चाय पार्टी के लिए फोन आया है। और ऐसे में देखिए, एक नाम अनुप्रिया पटेल का भी सुबह से चल रहा था, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि अनुप्रिया पटेल को निमंत्रण नहीं आया है, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। और ऐसे में देखिए, क्योंकि जब भी हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की पार्टी से भी बीजेपी को, एनडीए को बड़ा सहयोग मिला है। और ऐसे में देखिए, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा आखिरी वक्त तक कि किसको कॉल आया है या किसको नहीं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक अनुप्रिया पटेल जो कि फिलहाल नाराज चल रही हैं। इसके अलावा हम आप चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पीएम आवास पहुंचे चिराग पासवान, जितिन प्रसाद पहुंचे पीएम आवास, जेपी नड्डा भी पहुंचे पीएम आवास, अन्नपूर्णा देवी पहुंची पीएम आवास, किरेन रिजिजू पहुंचे पीएम आवास, राव इंद्रजीत सिंह भी पहुंचे पीएम आवास, अजय टमटा पहुंचे पीएम आवास, बीएल वर्मा भी पीएम आवास पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान भी पीएम आवास पहुंच चुके, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे पीएम आवास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
लगातार अब मंत्रियों का पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा भी पहुंचे पीएम आवास, अन्नपूर्णा देवी पहुंची है पीएम आवास, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक एक करके तमाम नेता पीएम आवास पहुंच रहे हैं। किरण रिजिजू पहुंचे पीएम आवास, बड़ी खबर आपको बताते, जहां एक एक करके तमाम नेता पीएम आवास पहुंच रहे। राव इंद्रजीत सिंह भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते, आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे पीएम मोदी। ऐसे में देश विदेश में तमाम दिग्गज बड़े राजनेता पहुंच रहे हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई है और आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। ऐसे में कयासों का दौर भी लगातार जारी है कि किन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी किन्हें नहीं। ये कुछ तस्वीरें जो संभावित मंत्रियों के नाम है, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह का भी लगभग फोन गया है सूत्र के हवाले से। ये खबर है, ये वो नाम जो बता रहे हम आपको जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। स्मृति ईरानी, अमित शाह, पीयूष गोयल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और चिराग पासवान, बांसुरी स्वराज, रामवीर सिंह बिदूड़ी को भी मोदी मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। तो मोदी सरकार के संभावित नाम जिन्हें जगह मिलेगी, राजीव प्रताप रूड़ी, अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत को जगह मिली और लल्लन सिंह, भूपेंद्र यादव को भी जगह मिली है। तो मोदी सरकार, आपको बता दें, एनडीए का कुनबा, टीडीपी 16 सांसद है, जेडीयू 12 सांसद है, जहां बीजेपी के साथ तमाम घटक दलों की जानकारी आपको दे रहे हैं। टीडीपी 4 मंत्री पद, जेडीयू 3 मंत्री पद। मंत्रिमंडल का समीकरण आपको एक बार समझा देते हैं, जहां टीडीपी के 16 सांसद है, जेडीयू के 12 सांसद है और इसके साथ ही 4 सांसद का एक कैबिनेट मंत्री, जहां टीडीपी में 4 मंत्री पद मिलेंगे और जेडीयू में 3 मंत्री पद। वहीं जानकारी के लिए लगातार सहयोगी दीपिका हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, लगातार मंत्रियों के पहुंचने का दौर जारी है क्योंकि कहा जाता है कि चाय पर जब चर्चा होती है, जो तमाम मंत्री यहां पर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं कैबिनेट में उनकी जगह तय होती है। अब तक कौन कौन पहुंच चुका है दीपिका? देखिए शामी, अगर जिस तरह से अभी सूत्रों के हवाले से ऐसे में बताया जा रहा, अभी चाय के चर्चा पर पहुंच चुके हैं चिराग पासवान भी पहुंच चुके हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा हूं। शिवराज सिंह, जिन्होंने साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान, जिसका लगातार जिनका हम जिक्र कि मध्य प्रदेश की राजनीति से निकलकर अब केंद्र की राजनीति में आने का समय हो गया है, उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा देखिए पहुंच चुके हैं तमाम ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त चर्चाओं में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचने का सिलसिला जो लगातार जारी है। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी चल रहा है कि जिन्हें फोन आया है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। रक्षा खड़से, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्हें भी फोन पहुंच चुका है और सूत्र बता रहे हैं कि वो भी पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह चौहान, हरदीप सिंह पुरी, ये वो तमाम नाम है जो कि पीएम के साथ आज चाय पार्टी के लिए जिन्हें न्योता पहुंचा हुआ है। इधर हम एजेपी रामविलास से बात करें तो चिराग पासवान पहुंच चुके हैं, आरएलडी से हम बात करते हैं तो जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं, प्रताप राव जाधव जो कि शिवसेना सिल्ले गुट से हैं, इनको भी न्योता पहुंचा है और वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा टीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो मोहन नायडू का भी नाम आगे चल रहा है और पी चंद्रशेखर का नाम भी आगे चल रहा है। तो ये वो तमाम लगभग 40 नाम ऐसे हैं जो कि इस वक्त रेस में आगे हैं और जिन्हें आमंत्रित किया गया है आज की चाय पार्टी में। और देखिए साफ तौर पर ये संकेत करता है जिनके पास फोन पहुंचता है वो शाम को मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह मिलने वाली होती है। अगर चावनी अगर नजर डालते हैं, सबसे पहले अगर क्षेत्रीय दलों के हिसाब से अगर नजर डाली जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर पश्चिमी क्षेत्र से हम बात करते हैं तो जयंत चौधरी का नाम आगे चल रहा है, जहां पर उनको कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। इधर जिस तरह से अनुप्रिया पटेल का नाम सुबह से ही चर्चा में था, हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उनको फोन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जब हम बाहर निकलकर हम बात करते हैं तो राजस्थान की जब हम बात करेंगे
तो पिछली बार जो राजस्थान में मंत्रियों की तादाद थी वो ज्यादा थी, लेकिन इस बार की जो नतीजे, क्योंकि राजस्थान में भी जिस लिहाज से प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं रहा है, और ऐसे में राजस्थान से भी बड़े स्तर पर बदलाव किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र से भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। उधर अगर हम बात करते हैं जेडीयू के खाते से और जेडीएस के खाते से जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी शामी, बिल्कुल दीपिका, क्योंकि 7:15 का वो वक्त है जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, और ऐसे में दीपिका क्या हलचल फिलहाल वहां पर देखी जा रही, किस तरीके की तस्वीरें, जाहिर सी बात है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए होंगे। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज यानी कि 9 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नो फ्लाई जोन में दिल्ली को तब्दील किया गया है। धारा 144 लागू की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तमाम जो फोर्सेज हैं उनकी तैनाती की गई है, क्योंकि ये सिर्फ आज का जो इवेंट है यानी आज जो शपथ ग्रहण समारोह है इसकी तरफ निगाहें सिर्फ देश की नहीं है बल्कि विदेशी मेहमान भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पूरी तेज की गई है और पूरी तरह से दिल्ली को एक तरह से इस सुरक्षा के घेरे में लिया गया है और पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। तो जब हम बात करेंगे नवनिर्वाचित सांसदों की, तो ऐसे में दिल्ली से भी नाम मंत्रिमंडल में आगे चल रहा है हर्ष मल्होत्रा का, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। और जिस तरह से हमने आपको जानकारी साझा की है कि तमाम वो नाम है चाहे बात, क्योंकि आप देखिए हरियाणा में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो उसको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार मंत्रिमंडल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस बार का जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है लगातार इसको लेकर अब मंथन का दौर जारी है। और बीजेपी जिस तरह से कहती है कि हम हर समय चुनावी मोड में रहते हैं और अपनी हार से एक लेसन लेने का प्रयास किया जाता है, और कहीं ना कहीं वो लेसन अब इस मंत्रिमंडल में भी उसकी झलक देखने को मिल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव की जो रणनीति रही है पीडीए को लेकर वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सफल साबित होती हुई नजर आई है। तो इस मंत्रिमंडल में पीडीए को लेकर भी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधते हुए भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लिहाजा वो चेहरे जो इन दलों से आते हैं उनको इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं राज्यों के हिसाब से, तो सबसे पहले बात तो जो आज इस चुनाव में किंग मेकर साबित हुए हैं उनको खुश करने का प्रयास किया जाएगा, चाहे बात चंद्रबाबू नायडू वो या फिर नीतीश कुमार की हो, ऐसे में उनके खेमे में भी मंत्री पद जो मंडल है वो बड़े मंत्रालय जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा उन राज्यों को भी साधने का प्रयास किया जाएगा जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। जी बिल्कुल दीपिका, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो किंग मेकर है, जेडीयू की बात कर ली जाए, टीडीपी की बात कर लीजिए, गठबंधन एनडीए में जीती है बीजेपी, आज बीजेपी की माफ कीजिएगा एनडीए की सरकार अब बन रही है, जाहिर सी बात है बीजेपी को तमाम जो घटक दल के नेता है, घटक दल जो है उन तमाम जो मांगे रखी जा रही है उनको ध्यान में रखना होगा और उन्हीं के हिसाब से फैसला करना होगा, क्योंकि घटक दलों को, सहयोगी दलों को बीजेपी इस बार नाराज नहीं कर सकती। बिल्कुल, देखिए श्रावणी, जब हम मोदी कार्यकाल की बात करते हैं, मोदी 3.0 के जब हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जरूरी होगा कि हम इससे पहले वाले जो कार्यकाल रहे हैं उन पर भी एक नजर डालें। 2014 की जब हम बात करते हैं तो एक प्रचंड बहुमत मोदी सरकार के नाम पड़ी थी और उस वक्त उन्हें किसी के भी सहयोग की जरूरत नहीं थी, हालांकि एनडीए तब भी बरकरार रहा था और जादुई आंकड़े को अकेले बीजेपी ने छुआ था। 2019 की जब हम बात करते हैं, 2019 में भी खाली बीजेपी ने अपने खेमे में उस जादुई आंकड़े को छूते हुए जीत दर्ज की, हालांकि एनडीए तब भी बरकरार रहा था, लेकिन 2024 में जब एक बार 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी उस बहुमत के आंकड़े को नहीं छुपाई है, थोड़ा सा दूर रही है। लेकिन जब हम इन तीनों चुनाव को देखते हैं तो दोनों चुनाव में हमने देखा, 14 के चुनाव में और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था, लेकिन इस बार काफी ज्यादा, क्योंकि आपके पास